किसी भी डिजिटल प्रेजेंटेशन देते टाइम या एडुकेशनल वीडियो बनाने का टाइम स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखना, उसको इरेज करना, किसी चीज़ को हाइलाइटर से हाइलाइट करना, पर्टिकुलर किसी वर्ड या सब्जेक्ट को रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल के अंदर हाइलाइट करना, ये सब फैसिलिटी का ज़रूरत पड़ता है। ये सब आप कैसे कर पाएंगे वो आज का ट्यूटोरियल में मैं बताऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। मेरे चैनल एस टिकटॉक में आपका स्वागत है। चलिए एक छोटा सा इंट्रो के बाद आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। पहले किसी भी ब्राउजर को ओपन करने के बाद गूगल सर्च बार में टाइप करना पड़ेगा एपिक पेन। सर्च रिजल्ट में एपिक पेन का जो ऑफिशियल लिंक आएगा उसको क्लिक करना पड़ेगा। उसको क्लिक करने से ही एपिक पेन का ऑफिशियल वेब पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में डाउनलोड ऑप्शन क्लिक करने से डाउनलोड का दो ऑप्शन आएगा, एक बेसिक फ्री वर्सन एंड दूसरा प्रो वर्सन। प्रो वर्सन में फुल फीचर्स मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। सिर्फ एक बार 1500 रुपया देना पड़ेगा। मैंने फ्री वर्सन डाउनलोड कर लेता हूँ। ये 15.6 MB का फाइल है। चलिए देख लेते हैं फ्री और प्रो वर्सन में अंतर क्या है। फ्री वर्सन में पेन, हाइलाइटर, इरेजर, अनडू, डिलीट, स्क्रीनशॉट, चेंज ब्रश साइज एंड कलर मिलेगा। और प्रो में लाइन, एरो, टेक्स्ट, रेक्टेंगल, सर्कल, व्हाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड एक्स्ट्रा मिलेगा। चलिए एपिक पेन कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। पेन, इरेजर एंड टेक्स्ट, ये तीन थर्ड नंबर टैब में है। पेन सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ भी माउस से या डिजिटल पेन से फ्री हैंड लिख सकते हैं। पेन का स्ट्रोक साइज चेंज करने के लिए 6th नंबर टैब से पेन का साइज सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। आप पेन का कलर पैलेट से चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर 16 कलर अवेलेबल है। फिफ्थ नंबर टैब इरेजर का है। इसको सिलेक्ट करके जो चीज़ इरेज करना है उसके ऊपर क्लिक करने से वो इरेज हो जाएगा। सेवेंथ नंबर टैब अनडू का है। ये डिलीट किया हुआ किसी चीज़ को वापस ले आता है। एट्थ नंबर टैब है डिलीट का। इसको प्रेस करने से जो कुछ स्क्रीन के ऊपर लिखा था वो एक साथ डिलीट हो जाएगा। थर्ड नंबर में हाइलाइटर भी है। इससे आप किसी चीज़ को एडुकेशनल वीडियो बनाने का टाइम हाईलाइट कर पाएंगे। हाइलाइटर का कलर चेंज करने का ऑप्शन कलर पैलेट में मिल जाएगा। आई होप आज का ट्यूटोरियल से आपको नया कुछ जानकारी मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक नया टॉपिक के साथ अगला ट्यूटोरियल में फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए थैंक यू।